मैं हूँ इंदु भावसार। मेरे भोजनशाला में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान की फेमस गुड़ की लापसी। गुड़ की लापसी राजस्थान में किसी भी त्यौहार पर या फिर किसी भी खुशी के मौके पर बनाया जाता है। ये लापसी खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड़ की लापसी बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए गुड़ की लापसी बनाना शुरू करते हैं। गुड़ की लापसी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस चालू करके कढ़ाई रख देंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी, 2 चम्मच डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से सूखे नारियल के गोले को लंबे पीसेस में काट लिया है, 8-10 पीस बादाम और 8-10 पीस काजू के लिए है। तो इन्हें हम गरम घी के अंदर डाल देते हैं और इसे हम लगातार चलाते हुए तब तक के भून लेंगे जब तक कि इन सारी चीज़ों का कलर हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता है। तो गैस को हमें धीमा ही रखना है कि देखिए सारी चीज़ अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो काजू और बादाम को हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का दलिया। तो गैस को हमें धीमा ही रखना है और धीमी आंच पर इसे हमें लगातार चलाते हुए तब तक के भूनना है जब तक कि गेहूं के दलिये का कलर हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता है। इसे हमें लगातार ही चलाना है। ये देखिए दलिया हमारा अच्छे से सिक चुका है, इसका कलर भी ब्राउन हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इस दलिये की कढ़ाई को हम नीचे उतार लेते हैं। और अब हम एक बर्तन लेंगे। इस बर्तन के अंदर हम 1 कटोरी गुड़ डाल देंगे। हमने यहाँ पर 1 कटोरी दलिया लिया था, तो 1 कटोरी दलिये के लिए 1 कटोरी गुड़ लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 3 कटोरी पानी। अब हम इस बर्तन को गैस पर चढ़ा देते हैं। तो हमें इस गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, केवल हमें गुड़ को ही पिघलना है। कि देखिए गुड़ अच्छे से पिघल चुका है। तो अब हम इस पानी को इस दलिये के कढ़ाई के अंदर छान करके डाल देते हैं। और अब हम फिर से इस कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देते हैं। तो अभी मैंने गैस को हाई किया हुआ है, इसमें हम उबाल आने देते हैं। ये देखिए लापसी में उबाल आ चुका है। तो अब हम लापसी को ढक करके धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो जाने के बाद में लापसी का सारा पानी सूख चुका है और ये लापसी हमारी बनकर के तैयार है। तो अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, इसे मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल देते हैं जिससे कि लापसी अच्छे से खिली खिली हो जाएगी। इसे अच्छे से मिला देते हैं और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इस लापसी को ढक करके 5 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं। पांच मिनट पूरे हो जाने के बाद में लापसी हमारी सर्व करने के लिए तैयार है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लापसी का एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला सा बना है। लापसी बहुत ही बढ़िया बनी है, बहुत ही खिली खिली बनी है। इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डाल देते हैं। तो ये लीजिए हमारी गुड़ की लापसी बनकर के तैयार है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।